ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए वर्टिसेस पर 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होरिजेंटली 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वर्टिकल बी सी लाइन पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने की कोशिश करो। इन सारे फोर्सेस को सिर्फ दो कंपोनेंट में ले आओ, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो हमने क्या किया, यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, ऐसे देखिए। अब ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ये 20 फोर्स है तो इधर जो काम करेगा वो कितना होगा, 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा। इधर जो काम करेगा बच्चों ये होगा हमारा 20 कॉस थीटा। सो 20 कॉस थीटा हॉरिजेंटल आ गया, 20 साइन थीटा वर्टिकल आ गया। अब हॉरिजेंटल में एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल फोर्स निकालेंगे। फोर्स ऑन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज इक्वल टू, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन सो 50 माइनस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन 20 कॉस थीटा। ओके बच्चों, ओके। उसके बाद क्या करना है हमने उसको समझिए, ये आ गया हमारा एफ एच। उसी तरह हम एफ वी निकालेंगे, एफ वी, एफ वी, ठीक ना। यहां हॉरिजेंटल लिखते हैं, वर्टिकल यहां लिख देता हूं एफ वी। सो एफ वी वर्टिकल के लिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 40 न्यूटन काम कर रहा है, माइनस ये देखिए ऐसे काम कर रहा है 20 साइन थीटा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, साइन थीटा। अब जैसा कि थीटा नहीं है हमारे पास, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए ये 30 है, ये 40 है, तो पाइथागोरस से हम एसी निकालेंगे। एसी की वैल्यू आएगी बच्चों, एसी मैं यहां निकाल देता हूं, एसी बराबर अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। सो एसी आ जाएगा 1600 प्लस 900, दैट इज इक्वल टू 2500, विच इज इक्वल टू 50, 50 मिलीमीटर। मतलब ये आ गया बच्चों 50 मिलीमीटर। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस, ठीक। तो यहां से हमने वैल्यू पुट किया 50 माइनस 20 इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो परपेंडिकुलर हाइपो बेस, बेस आ गया 30, हाइपोटेन्यूस है बच्चों 50, 50। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 4 20, 4 3 12, सो 50 माइनस 12 इज इक्वल टू 38 न्यूटन। ओके, अब वर्टिकल के लिए, सो वर्टिकल के लिए आ जाएगा 40 माइनस 20 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, 40 अपॉन 50 और 16, सो 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। ये वर्टिकल आ गया। अब बच्चों आप, जैसा कि हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से आ गया, इस पर फोर्स काम कर रहा है वर्टिकल, इस पर फोर्स काम कर रहा है हॉरिजेंटल, इसका हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्टेंट आ जाएगा एफ एच 38 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको आप करना बच्चों 38 वन ट्रिपल फोर, आई थिंक 576, ठीक ना। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स 2020, 2020 रूट निकालिए, अप्रोक्सीमेट 44.9, सो विच इज इक्वल टू 45 न्यूटन, 45
न्यूटन, 45 न्यूटन। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम अगर आपके पास आ जाए तो डरना नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में से बच्चों सबसे पहले आप दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगर आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल को डायग्राम में से बाहर निकाल लिया, आप समझ गए उसको, फिर न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत बहुत आसान हो जाए।